राजकीय बालिका गृह से आधी रात में रह बालिकाएं फरार, लेकिन दो घंटे में हो गई बरामद। जी हां, राजकीय बालिका गृह निधारिया से मंगलवार की आधी रात के बाद करीब 2 बजे 12 बालिकाएं पलायन कर गईं, लेकिन पुलिस की तत्परता से सभी बालिकाओं को 2 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। फिलहाल सभी बालिकाएं राजकीय बालिका गृह में हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 4 होमगार्ड और 2 विभागीय कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। दरअसल राजकीय बालिका गृह में बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था में 2 महिला और 2 पुरुष होमगार्ड के साथ 2 विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। रात में अचानक 12 बालिकाओं के पलायन करने के बाद वहां की अधीक्षिका ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने काल तत्परता बरतते हुए रोडवेज और रेलवे स्टेशन से इन सभी बालिकाओं को बरामद कर राजकीय बालिका गृह पहुंचा दिया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने घटना की जांच के लिए एसडीएम सदर जुनैद अहमद और जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज की समिति गठित कर तत्काल रिपोर्ट देने का आदेश दिया और निर्देश भी किया। जांच में ड्यूटी पर तैनात 2 महिला होमगार्ड रमावती देवी और लीला देवी और 2 पुरुष होमगार्ड हंसराज यादव और छोटेलाल यादव के अलावा 2 विभागीय कर्मचारी राजेश और बीरबल यादव प्रथम दृष्टया में दोषी मिले। इन सभी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने के लिए निर्देशक महिला कल्याण और जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र लिखा गया है। ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट इंडिया समाचार से। करा दे रहे मैम, बिना बाइक का नहीं होगा। झंडा से बाइक लीजिए आप। मैम, बिना बाइक का नहीं होगा। झंडा से बाइक लीजिए आप।